जिसे उर्दू में ओस या शबनम कहा जाता है, ये पानी के वो कतरे हैं जो हवा में आबी बुखारात की शक्ल में मौजूद होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये आबी बुखारात फिजा में जाकर ठंडे होके बादल की सूरत बन जाते हैं और कुछ अरसे बाद ये बरसने लगते हैं। बिल्कुल उसी फिनामिना की तरह ज़मीन पर भी ये कंडेंस होके शबनम के कतरे बन जाते हैं। रात के वक़्त शबनम इसलिए बनती हैं जब सतह ज़मीन और उसके ऊपर की फ़ज़ा या हवा का दर्जे हरारत गिर जाता है और उस पर उगी हुई घास, दरख्त, गाड़ियाँ या कोई भी जिस्म हो वो ठंडा हो जाता है, तो उस जिस्म के आसपास की जो हवा होती है वो भी ठंडी हो जाती है और हवा में जो मुअल्लक आबी बुखारात होते हैं वो सेचुरेशन पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं, मतलब वो मज़ीद होल्ड रखने की कुत हवा में नहीं रहती, तो पानी और ये आबी बुखारात इसी जिस्म पे कतरे की सूरत में कंडेंस हो जाते हैं और वो दर्जा हरारत जिस पर ड्यू या शबनम बन जाती है वो ड्यू पॉइंट कहलाता है। उस हवा का जो ड्यू पॉइंट होता है वो मुख्तलिफ अवामिल जैसे सतह ज़मीन, मौसम, हवा के दबाव के ज़रिए असर होता है और ये हर जगह पे मुख्तलिफ हो सकता है। और अगर उस जगह पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो तो बजाय ओस बनने के नन्हे मुन्ने बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं और उसकी वजह यह होती है कि इस दर्ज हरारत पर जो आबी बुखारात होते हैं वो गैसियस हालत से मायक हालत में तब्दील होने की बजाय सीधा ठोस हालत में तब्दील हो जाते हैं और इसको हम साइंसी टर्म में सब्लिमेशन कहते हैं।